21 मई 2010 सुबह लगभग 9:15 बजे अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष दार्जिलिंग में क्लब साइड पहुंचते हैं, जहां वे संबोधन करने वाले होते हैं अपनी पार्टी की फाउंडेशन डे रैली को। 15 मिनट बाद 9:30 बजे लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ दार्जिलिंग चौरस्ता से गुजरते हुए मीटिंग वेन्यू की तरफ बढ़ती है और कुछ ऐसा होता है जो शायद ही फाउंडेशन डे रैली में आए किसी शख्स ने सोचा हो। दार्जिलिंग विटनेस्ड अ ब्लैक डे ऑन 21 मई 2010। उसी भीड़ में से कुछ लोग एबीजीएल पार्टी सपोर्टर्स और लगभग 40 आर्म्ड पुलिसकर्मियों के बीच में से निकलते हुए दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं अखिल भारतीय गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग। ऑल इंडिया गोरखा लीग के अध्यक्ष मदन तमांग की हत्या कर दी गई है। इतनी बेरहमी से उनकी हत्या क्यों की? ऐसा क्या था जो पार्टी के फाउंडेशन डे में रिवील होने वाला था, जिसके लिए उन्हें बार बार रोका जा रहा? कौन कौन इस हत्या में शामिल थे? मदन तमांग मर्डर केस के प्राइम अक्यूज्ड का क्या हुआ? क्या वो शख्स जिंदा है या फरार हो गया? धेरै जनाले के भनेको सुनिन्दैछ भने मदन तमांग हत्याकाण्ड सकिएछ भने, त्यो मदन तमांग हत्याकाण्डको ट्रायल अहिले सकिएको छैन, ट्रायल सुरु हुन्छ, अब छिटै सुरु हुन्छ। 21 मई 2010 दार्जिलिंग के लिए कई सारे सवाल छोड़ गया और इन्हीं सवालों में ये केस भी आज तक अनसॉल्व। इस मर्डर मिस्ट्री में डिटेल में जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि मदन तामंग का दार्जिलिंग की राजनीति में क्या रोल था। मदन तामंग का जन्म दार्जिलिंग के सिंगालीला के पास मेघमा की एक गौशाला में होता है। मेघमा में ही प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद तामंग दार्जिलिंग के सेंट रॉबर्ट स्कूल को ज्वाइन करते हैं और इसी दौरान साल 1967-68 में एक्टिवली नेपाली भाषा मान्यता के लिए पोस्टरिंग करते हैं। साल 1969 में मदन तामंग की सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ते वक्त ही दार्जिलिंग पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। उस दौरान वो तत्कालीन अखिल भारतीय गोरखा लीग के लीडर देव प्रकाश राय के क्लोज एसोसिएट बन जाते हैं। 1970 के दशक में तामंग पार्टी के यूथ विंग तरुण गोरखा की लीडरशिप संभालते हैं और 1977 में पार्टी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बन जाते हैं। लेकिन 1980 में वे पार्टी से इस्तीफा देकर प्रांत परिषद ज्वाइन कर लेते हैं और दार्जिलिंग के एक और लीडर सुभाष घिसिंग के साथ काम करने लग जाते हैं। लेकिन 1980 में ही घिसिंग एक नई पार्टी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना करते हैं और गोरखालैंड स्टेट की डिमांड करते हैं। दूसरी ओर प्रांत परिषद नेपाली भाषा मान्यता समिति के साथ मिलकर एक कैंपेन की शुरुआत करती है फॉर द इंक्लूजन ऑफ नेपाली लैंग्वेज इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और धीरे धीरे मदन तामंग सुभाष घिसिंग के एक इम्पॉर्टेंट राइवल बन जाते हैं। 1986 में घिसिंग एक आंदोलन की घोषणा कर देते हैं जो कि दार्जिलिंग की हिस्ट्री में सबसे वायलेंट एजिटेशन बन जाता है। 1986 से 88 के बीच मदन तामंग घिसिंग को ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं करप्शन और उनकी वायलेंट नीतियों के। धीरे धीरे सुभाष घिसिंग दार्जिलिंग के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं और उनकी पार्टी GNLF विरोध करती है नेपाली भाषा को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करने के लिए। वो कहते हैं कि नेपाली नहीं बल्कि गोरखाली को इंक्लूड किया जाए। अगर आप सुभाष घिसिंग के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर द लेगेसी ऑफ सुभाष घिसिंग वीडियो को देख सकते हैं। GNLF का विरोध करते हुए मदन तामंग 1992 में गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना करते हैं। साल 2001 में GDF अखिल भारतीय गोरखा लीग के साथ मर्ज हो जाती है और मदन तामंग पार्टी के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसी बीच घिसिंग का सपोर्ट बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण 1998 से ही अखिल भारतीय गोरखा लीग कई पॉलिटिकल पार्टीज जैसे CPRM, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की स्थापना करती है, जिसके अध्यक्ष भी मदन तामंग हैं। शुरुआत से ही मदन तामंग GNLF और सुभाष घिसिंग की डिक्टेटोरियल एक्टिविटीज़ का विरोध करते हैं और जब GNLF 2005 में 6th शेड्यूल की डिमांड रखती है, मदन तामंग उसका भी विरोध करते हैं, ये कहते हुए कि 6th शेड्यूल स्टेटस कभी भी एक सेपरेट स्टेट नहीं दिला पाएगा। इसी बीच 7 अक्टूबर 2007 में GNLF से ही निकलकर बिमल गुरुंग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की स्थापना करते हैं, जो कि विरोध करती है 6th शेड्यूल। बिमल गुरुंग की पार्टी का उद्देश्य होता है सुभाष घिसिंग को दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की अध्यक्षता से हटाने और सेपरेट स्टेट गोरखालैंड के मुद्दे को आगे बढ़ाने। GNLF की रूलिंग पावर अब GJM के हाथ में आ जाती है और एक बार फिर से मदन तामंग विरोध करने लग जाते हैं बिमल गुरुंग और उनकी पार्टी का ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन चार्जेस। नत्र गोरखा लीगले बोल्दाखेरि किन डराउनु, जनमुक्ति किन डराउनु,
जसको सुन खोटो उसको हिया डुकडुक भन्छ नि। मदन तामाङ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इमिग्रेशन पॉलिसी को भी ब्लेम करते हैं, ये कहते हुए कि इस पॉलिसी की वजह से बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट्स भारी मात्रा में आ रहे हैं, जिस वजह से भारतीय गोरखा अपने ही रीजन में एक माइनॉरिटी बनते जा रहे हैं। इसी बीच एक और स्टेटहुड आंदोलन की शुरुआत होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ बिमल गुरुंग और एक इनडेफिनिट स्ट्राइक की घोषणा की जाती है। ये स्ट्राइक अभी खुलने वाला नहीं है, ये कितना दिन जाएगा जाएगा, आज बच्चे लोग के लिए स्टूडेंट लोग के लिए हमने छूट दिया है। पहले भी हम लोग देखे कि आपने थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन, अभी नहीं होगा, अभी नहीं, मेरा जान जाए परवाह नहीं है, लेकिन अभी छोड़ेगा। वन पॉइंट एजेंडा गोरखालैंड के लिए जाएंगे, दूसरा बात के लिए अभी नहीं जाएंगे। वहीं गोरखा लीग का ये कहना होता है कि 1986 के गोरखालैंड स्टेटहुड आंदोलन के बाद जिस तरह से दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल नाम की ऑटोनोमस बॉडी स्थापित की गई, वो दोबारा से बिमल गुरुंग की गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ना करे। 7 तारिक जनमुक्ति जन्मेको होला, 5 तारिक नै मैले जनसभामा भनेको थिएँ गोर्खाल्यान्डको घोडामा चढेर चाहिँ काउन्सिलको चौकी चाहिँ नताक्नु। जसले गोर्खाल्यान्ड घोडामा चढेर काउन्सिल ताक्छ, चौकी ताक्छ, त्यो चाहिँ घिसिङ भन्दा गद्दार हुन्छ है। मदन तामाङ बिमल गुरुङ से स्ट्राइक्स भी विड्र गर्ने के लिए कहते हैं, क्योंकि स्ट्राइक से नुकसान आम इंसान का ही होता है और इससे टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी असर पड़ रहा होगा। मदन तामाङ शुरुआत से ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहायता से बिमल गुरुंग और उनकी पार्टी पर करप्शन का आरोप लगाते और अंत में 21 मई 2010 को डिसाइड करते हैं कि वे पार्टी के 68वें फाउंडेशन डे में सभी बातें पब्लिकली बताएंगे। मीटिंग के लिए वेन्यू डिसाइड की जाती है दार्जिलिंग का चौक बाजार। लेकिन उसी दिन जनमुक्ति अस्थाई कर्मचारी संगठन भी सेम वेन्यू को मीटिंग के लिए चूज करते हैं। गोर्खाली के लिए कुरा साँचो जनतालाई भन्छ भने गोर्खालीलाई जनसभा गर्नु नदिने भयो। मदन तामाङ को लगता है कि इससे दोनों पार्टीज के समर्थकों के बीच में क्लैश हो सकते हैं और इसी वजह से वो मीटिंग को क्लब साइड मोटर स्टैंड में शिफ्ट कर देते हैं। मदन तामाङ के बारे में दार्जिलिंग टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जाता है जिसमें सीनियर लॉयर प्रताप खाती लिखते हैं, He represented the best in all of us. He represented what a Gorkhali should be. He represented the fierceness, the dedication, the fearlessness, the selflessness, the determination and loyalty to the cause for which the Gorkhalis are renowned. Darjeeling Times ke is magazine article se ye bhi pata chalta hai ki Madan Tamang bahut hi helpful shakhs the. Ek former Bhutanese refugee jo ki ab USA mein hai, उनके अनुसार तामाङ ने उनकी फाइनेंशियली भी मदद की, साथ ही एक मेंटोर के रूप में भी साथ दिया। वे कहते हैं कि दाजुले कहिले छैना हुँदैना पुग्दैना भन्नु भएन, आफ्नै भाइ जस्तो ट्रिट गर्नुहुन्थ्यो हामी सबैलाई। म मात्रै होइन, दाजुले भुटानबाट आएको धेरै मान्छेहरूलाई सहयोग गर्नुभयो। विच मिन्स मदन तामाङ ने कभी भी खुद के पास किसी चीज की कमी का जिक्र नहीं किया, उन्होंने सबको अपने भाई की तरह ट्रीट किया और उनके साथ साथ भूटान से आए कई लोगों की भी मदद। कई लोगों का कहना है कि मदन तामाङ एक ऐसे नेता थे जो दशकों तक पॉलिटिक्स में रहे मगर उन्हें कभी भी सही पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, और जब तक उन्हें सपोर्ट मिला, उनके विचारों को लोगों ने समझा, तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन क्या ये अटैक उन पर हुआ पहला हमला था? नहीं। एक आर्टिकल से ये पता चलता है कि मदन तामाङ की गाड़ी पर कलिम्पोंग में पहले भी हमला हुआ था। दार्जिलिंग के बीजन बारे में उनकी मीटिंग पर पथराव भी किए गए थे और ये सब हुआ था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी डीजीएससी में हो रहे करप्शन के बारे में। 2010 में उनके असासिनेशन से कुछ महीनों पहले मदन तामाङ कलिम्पोंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वे अपनी पार्टी गोरखा लीग को लॉ अबाइडिंग और गॉड फियरिंग बताते हैं। कॉन्फ्रेंस में मदन तामाङ बंगाल गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें हिल्स में जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि अगर वो जनता के सामने आए तो कई लोगों को एक्सपोज कर सकते हैं। पूरी कॉन्फ्रेंस में वो इस बात पर जोर देते हैं कि गोरखालैंड का आंदोलन जनता का आंदोलन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता का नहीं, और इसका ही किसी इंटरिम काउंसिल में समझौता हो जाना जनता के साथ धोखा हो। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर वो एलिगेशंस लगाते हुए कहते हैं कि पार्टी दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और बात बोलती है और दार्जिलिंग में जनता को कुछ और, जिसके लिए वो जीएनएलएफ के 6 शेड्यूल डिमांड के अनड्रॉप्ड एग्रीमेंट को भी दिखाते हैं। इस वीडियो में मदन तामाङ कहते हैं कि गोरखालैंड आंदोलन बार बार सिर्फ इसी वजह से फेल हुआ क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी नहीं है, यहां तक कि वो उन सभी मुद्दों के लिए ओपनली डिबेट करने के लिए भी तैयार होते। कितनी अजीब बात है।
एक ऐसा नेता जो खुलेआम गोरखालैंड की डिमांड को लेकर बिना डरे अपनी दलीलें पेश करता है, वो भी उस जनता को जो खुद भी गोरखालैंड चाहती है। लेकिन फिर भी उस नेता को सपोर्ट नहीं मिलता, बल्कि ऐसे नेताओं को सपोर्ट किया जाता है जो गोरखालैंड शब्द की इमोशनल वैल्यू के साथ खिलवाड़ करते। मदन दामंग की एक खास बात ये थी कि वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते या किसी पर भी एलिगेशन लगाते तो वो बेसलेस आरोपों की राजनीति नहीं बल्कि तथ्यों को सामने रखकर राजनीति करते थे। वो अपने साथ एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स साथ रखते थे और उसी आधार पर सवाल पूछते थे। लेकिन इतने सवाल पूछे जाने का हश्र क्या? दार्जिलिंग के लोगों को रिजल्ट मिला 21 मई 2010 के रूप में। मर्डर के दिन ही दार्जिलिंग की सभी दुकानें, स्कूल्स और गाड़ियां बंद कर दी जाती। रूलिंग पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लोगों से कहती है दुकानों को खोला जाए, पर लोग सब कुछ बंद कर देते हैं। एक कैंडल लाइट रैली भी निकाली जाती है जिसकी शुरुआत सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, लेकिन धीरे धीरे भीड़ में लोग अपनी ही खुशी से सम्मिलित होकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। रैलीज निकाली जाती है घूमजोर बंगला, सुनादा, सुखिया, करशोंग, मिरिक और कलिम्पोंग। और मदन दामंग के अंतिम संस्कार के दिन 15,000 से भी ज्यादा लोग भारी बारिश में भी ट्रिब्यूट देने पहुंच जाते हैं। लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाते हैं, पार्टी का झंडा और यहां तक कि बिमल गुरुंग का पोस्टर भी फाड़ दिया जाता है। 23 मई 2010 को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की पूरी लीडरशिप दार्जिलिंग छोड़कर कलिम्पोंग चली जाती है। बिमल गुरुंग मर्डर के लिए स्टेट गवर्नमेंट से लेकर नेपाल के माओवादियों को भी ब्लेम करते हैं। और इसके बाद जीजेएम के बड़े नेता पार्टी से रेजिग्नेशन भी देने लग जाते हैं, जिनमें मुख्य होते हैं अनमोल प्रसाद, त्रिलोक दीवान, हरका बहादुर छेत्री, अमर सिंह राय और अमर लामा। लेकिन अगले ही दिन हरका बहादुर छेत्री अपना रेजिग्नेशन वापस भी ले लेते हैं और फिर कुछ और नेता भी अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं। 25 मई 2010 के दिन बिमल गुरुंग कलिम्पोंग से दार्जिलिंग वापस आते हैं लगभग 100 गाड़ियां और सिक्योरिटी। कहा जाता है कि उनकी वापसी के दौरान दार्जिलिंग के घूम में उन्हें लोगों का आक्रोश फेस करना पड़ता है। लेकिन पुलिस की मदद से बिमल गुरुंग दार्जिलिंग पहुंच जाते हैं और एक पब्लिक रैली करते हुए मर्डर का ब्लेम स्टेट गवर्नमेंट पर डालते हैं। लेकिन सिर्फ 2010 ही नहीं बल्कि 2012 में भी दार्जिलिंग के लोगों को रिजल्ट मिला, क्योंकि गोरखालैंड स्टेटहुड की डिमांड एक इंटरिम काउंसिल में जाकर एंड हो जाती है जिसका नाम रखा जाता है गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। 1986 का आंदोलन डीजीएससी में एंड हुआ तो 2012 में जीती है और यही काउंसिल मदन तामंग कभी नहीं चाहते। जीटीए के बनने के बाद मदन तामंग की पत्नी भारती तामंग कहती है कि उन्हें टीवी ऑफ करना पड़ा क्योंकि वो नहीं देख सकी कि लोग किस तरह से जीटीए के लिए खुशी मना रहे थे। जीटीए विच वॉज फॉर्म्ड एंड बार्गेन्ड ओवर द डेड बॉडी ऑफ माई हस्बैंड। 26 जनवरी 2021 को क्लब साइड दार्जिलिंग में मदन तामंग के 12 फीट के स्टैचू को बनाया जाता है और अगले दिन द टेलीग्राफ में एक आर्टिकल छपता है मदन तामंग स्टैचू एट मर्डर स्पॉट। इस आर्टिकल में लिखा जाता है कि मदन तामंग हिल पॉलिटिक्स की एक्सप्लोजिव डिटेल्स बताने जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या थी वो एक्सप्लोजिव डिटेल। एक सीनियर पॉलिटिशियन का कहना है कि उस वक्त गोरखा जनमुक्ति मोर्चा डरती थी कि मदन तामंग लोगों को वार्न कर देंगे कि गोरखालैंड की डिमांड एक इंटरिम सेटअप में खत्म होने जा रही है और इसी वजह से मदन तामंग को पब्लिकली बोलने नहीं दिया जाता था। अब बात करते हैं मर्डर मिस्ट्री। मदन तामंग की मौत की खबरों से पूरा दार्जिलिंग शहर शॉक हो जाता है, साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें आने लगती हैं। 30 अगस्त 2010 को सीआईडी एक चार्जशीट फाइल करती है जिसमें 30 लोगों का नाम होता है और 26 नवंबर 2010 को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस केस को सीबीआई को सौंप देती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का इंतजार करते हुए सीबीआई मदन तामंग मर्डर केस को 20 जनवरी 2011 से इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देती है। 2 अगस्त 2017 को सीबीआई कोर्ट से कहती है कि मर्डर के दौरान गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लीडर्स दार्जिलिंग में नहीं थे, लेकिन उनकी कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने फोन पर मर्डर के ऑर्डर्स दिए थे। अब ये कॉल रिकॉर्ड्स तो एक्सेस नहीं किए जाते, लेकिन 15 जुलाई 2010 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चलता है इन टेलीफोनिक ट्रांसक्रिप्ट का, जिसकी हेडलाइन में ही लिखा गया है मदन तामंग को मार दिया गया और ये हमारे आदमियों ने। इंडियन एक्सप्रेस ने इस पूरी ट्रांसक्रिप्ट में बिमल गुरुंग, रोशन गिरी और पार्टी के अन्य लोकल लीडर्स की बातों को रिकॉर्ड किया है और ये बातें हैं मदन तामंग के मर्डर के ठीक पहले और बाद। और इसी ट्रांसक्रिप्ट में रोशन गिरी बिमल गुरुंग से कहते हैं, आवर मेन हैव डन इट।
डीजीपी भूपिंदर सिंह का कहना था कि ये ट्रांसक्रिप्ट मर्डर के 24 घंटे बाद ही चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य जी और गवर्नर एमके नारायणन को भेज दी गई। लेकिन 2 अगस्त 2017 को एक रिपोर्ट आती है, नो एविडेंस अगेंस्ट रोशनगिरी इन मदन दामंग मर्डर केस, और इसमें लिखा गया है कि टेलीफोनिक कॉल इंटरसेप्ट को कोर्ट में सबमिट ही नहीं किया गया और सीबीआई कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को दिखा रही है जिन्हें एविडेंस नहीं माना जा सकता। 29 दिसंबर 2011 को हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा जाता है कि मदन तामंग मर्डर अक्यूज्ड फाउंड डेड, जिसका नाम था दिल कुमार राय, जो कि वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर सिंगला में मर्डर्ड पाया गया। एक नाम जो कि सीआईडी की चार्जशीट में भी दर्ज था। 9 अगस्त 2017 को इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि सीबीआई ने मदन तामंग मर्डरर का नाम काइला बताया था, जो कि बिमल गुरुंग का बॉडीगार्ड। काइला के खिलाफ न्यूज़पेपर में वांटेड नोटिस भी छपता है विद द नेम दिनेश सुब्बा, लेकिन बिमल गुरुंग के काउंसिल मिलन मुखर्जी ने इस बात को खारिज कर दिया और उस शख्स को सिर्फ एक पार्टी सपोर्टर बताया। यहां तक कि बिमल गुरुंग भी दावा करते हैं कि सीबीआई उनके खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं दे पाई। ये भी कहा जाता है कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के जिन अक्यूज लीडर्स का नाम चार्जशीट में है वो सब मर्डर के दिन दार्जिलिंग में मौजूद ही नहीं। और कुछ दिनों बाद 17 अगस्त 2017 को वही होता है जैसा बिमल गुरुंग ने कहा। कोलकाता सेशंस कोर्ट बिमल गुरुंग को नॉट गिल्टी डिक्लेयर करते हुए मदन तामंग केस से डिस्चार्ज करती है, क्योंकि वो मर्डर के दिन दार्जिलिंग में मौजूद ही नहीं। हालांकि बाकी अक्यूज्ड के खिलाफ केस जारी रहे। लेकिन ये अक्यूज्ड लीडर्स थे कौन? मर्डर के बाद अखिल भारतीय गोरखा लीग के जनरल सेक्रेटरी लक्ष्मण प्रधान जीजेएम के टॉप लीडर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं, जैसे कि जीजेएम प्रेसिडेंट बिमल गुरुंग, उनकी पत्नी आशा गुरुंग, रोशन गिरी, हरका बहादुर छेत्री, प्रदीप प्रधान, विनय तामंग, रमेश आले, दिनेश गुरुंग, पूरन थामी, तेंजिंग खम्बाचे, आलोक कांतामनी थुलुंग, किस्मत छेत्री और केशव राजपोखते। लेकिन ये तो कुछ ही बड़े नाम है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशंस के बाद अक्यूज सुभाष तामंग और प्रशांत छेत्री को 4 जून 2010 के दिन अरेस्ट कर लिया जाता है और सीआईडी अपनी अक्यूज के लिस्ट में पूरन राय, आशीष तामंग, सुनील राय और तिलक सोतांग को भी ऐड कर लेती है। लेकिन बाद में 19 नवंबर 2011 को सुभाष तामंग का सफिशिएंट एविडेंस ना होने के कारण बेल दे दी जाती है। वहीं 3 जुलाई 2012 को एक और अक्यूज दीपेन माले, हु वाज इनसाइड जेल दैट टाइम, को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन में कैंडिडेट घोषित कर देती है। माले को मर्डर केस के लिए पकड़ा जाता है 25 मई 2011 के दिन। माले को आईपीसी की धारा 302, 506, 120B, 147, 148, 149 और एडिशनल सेक्शन 34 में अरेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन बिमल गुरुंग कहते हैं कि माले इनोसेंट है और उन्हें फंसाया गया है। लेकिन एक और नाम था जो कि मर्डर का प्राइम अक्यूज्ड था और जिसका फोन मर्डर स्पॉट पर पाया गया था, निकोल तामंग। द टेलीग्राफ में एक स्टोरी आती है कि निकोल तामंग को 25 जून 2010 के दिन अरेस्ट कर लिया गया। उसमें लिखा गया अ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा लीडर। खबरें फैलती हैं कि वो बिमल गुरुंग का करीबी है। लेकिन 16 अगस्त 2010 को द हिंदू में एक बार फिर से खबर आती है निकोल तामंग के पकड़े जाने की, वो भी संडे 15 अगस्त 2010 के दिन। वहीं इंडियन एक्सप्रेस में भी एक रिपोर्ट आती है निकोल तामंग के अरेस्ट की, लेकिन उसमें लिखा जाता है इन व्हाट सीम्स अ केयरफुली टाइम्ड मूव। केयरफुली टाइम्ड इसलिए क्योंकि 17 अगस्त 2010 को दिल्ली में एक ट्रिपार्टाइट मीटिंग होने वाली होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच, ऐसा कहना है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। सोचिए एक प्राइम अक्यूज्ड को लेकर कितनी लापरवाही दिखाई। मई 2010 में हुए मर्डर के प्राइम अक्यूज्ड को पकड़ने में 3 महीनों से ज्यादा का वक्त भी लगा, और यही नहीं 22 अगस्त 2010 यानी अरेस्ट के 6 दिन बाद निकोल तामंग पुलिस कस्टडी से ही गायब हो जाता है, वो भी एक हाईली गार्डेड जगह से। अब वो भागा या भगाया गया, इस बात पर कोई रिपोर्ट कभी आई? अब आप यहां से समझिए, निकोल तामंग को रखा गया था डीजीएससी गेस्ट हाउस में, जो कि था पिंटल विलेज सिलीगुड़ी। उस गेस्ट हाउस के बाहर 2 दीवारें थी, एक करीब 6 से 8 फुट की और दूसरी 8 से 10 फुट की। निकोल की खुद की हाइट थी 5 फुट 8 इंच, जिसे इस कॉटेज में सीआईडी के 5 मेंबर्स के साथ रखा गया। अगस्त का महीना अक्सर मानसून का महीना होता है और रिपोर्ट्स के अनुसार उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी, और द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से उसे भागने में लगभग 8 से 10 मिनट का वक्त लगा। लेकिन जो भी हुआ, एक प्राइम अक्यूज्ड हैवीली गार्डेड जगह से आसानी से बच निकला। सीआईडी से इतनी बड़ी लापरवाही की उम्मीद कोई भी नहीं कर सकता, और ये रियल सीआईडी है, वो नहीं जो हम बचपन में टीवी में देखते आ रहे हैं।
एक और रेवल्यूशन होता है सीआईडी ऑफिसर अर्धेंदु शेखर पहाड़ी को लेकर, जिनसे सीबीआई ने जब पूछा कि निकोल तामंग एस्केप केस में सीनियर ऑफिसर का नाम बताया जाए तो पहाड़ी ने हमेशा चुप्पी साधी। और ये रिपोर्ट्स हैं इंडियन एक्सप्रेस। 22 अगस्त 2010 को जब निकोल तामंग भागा तो उस दिन पहाड़ी की ही ड्यूटी थी उसका इंटरोगेशन करने, जिस वजह से सीबीआई ने इस केस को एक कॉन्स्पिरेसी करार दिया और वो भी हायर लेवल। 23 अगस्त 2010 जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट बताती है कि सीआईडी के दो ऑफिशियल्स अनिरुद्ध चटर्जी और अरबिंदो कुंभकार को सस्पेंड कर दिया गया और दार्जिलिंग पुलिस के सुपरिटेंडेंट देवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं कि निकोल अब तक नहीं मिला और सभी पुलिस स्टेशन में खबर दे दी गई है ताकि निकोल नेपाल की तरफ ना जा सके। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि निकोल तामंग को सीआईडी ने मार दिया। ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि निकोल की अरेस्ट सिर्फ एक मेडअप स्टोरी थी ताकि लोगों की कुर्सी बनी रहे। वहीं निकोल की बीवी और मां का कहना था कि वो अब भी पुलिस कस्टडी में ही है, उसे छुपा के रखा गया। सितंबर 2010 को निकोल की पत्नी कोलकाता हाईकोर्ट में हैबियस कॉर्पस फाइल कर, जून 2011 को कोर्ट सीबीआई से निकोल को कोर्ट में लाने के लिए कहता है तो सीबीआई कहती है कि निकोल 11 मार्च 2011 को सुबह 7 बजे नेपाल फरार हो। निकोल कहाँ गया ये आज तक किसी को नहीं पता। तो क्या मदन तामंग मर्डर केस और निकोल तामंग का पकड़ा जाना और फिर भाग जाना हाई लेवल कॉन्स्पिरेसी थी जैसा कि सीबीआई ने कहा, या सच में इसमें किसी बड़े लीडर का हाथ नहीं था? क्या रीजन हो सकते हैं कि मई 2010 में हुए मर्डर के प्राइम अक्यूज को पकड़ने में 3 महीने का वक्त लग गया? सीआईडी की वेल गार्डेड कस्टडी से एक प्राइम सस्पेक्ट कैसे इतनी आसानी से भाग गया और वो नेपाल में जाए इसीलिए सभी पुलिस स्टेशन में अगर खबर दी गई थी तो निकोल नेपाल ही क्यों भागा? और जिस एरिया से वो नेपाल भागा वहां के पुलिस इंचार्ज के खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया? इन सभी सवालों का जवाब हम आप तक। हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस तरह की कई स्टोरीज लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.